Hey guys, how are you? I hope you all are doing good and welcome back to another video. I hope you all are well at your homes and works. So, आज इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगा Superior OS का, जो कि यहाँ पर है. अभी आप देख सकते हैं Superior OS and this is the 12 version. As you can see here, it is based on the Android 12. और इसका security patch जो है वो भी all the way latest है. 5 July 2022. तो इसकी मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज कर लूँ और इसको मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी Redmi Note 10 मुजीतो में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर सनी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं. और मैं ये भी बताऊँगा कि क्या आप इस रोम को डेली ड्राइवर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ नहीं हैं, क्या ये स्टेबल है. ऑफकोर्स ये है तो स्टेबल ही, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ और इंस्टॉलेशन तो बताऊँगा ही ऑफकोर्स. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये रोम कम्प्लीटली स्टेबल है. डेली ड्राइवर के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से प्ले हो रही हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी SSH इशू या बग नहीं है इस रोम में. और अब मैं आपको बताता हूँ, पहले वीडियो रिव्यू करने से पहले मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से इसे आप Redmi Note 10 मुजीतो या सनी में इंस्टॉल कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने अपने Redmi Note 10 में कोई भी रिकवरी इंस्टॉल कर लेनी है. अगर अभी तक आपने कोई रिकवरी इंस्टॉल नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से वीडियो देख के रिकवरी इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रोम और जी एप्स को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या एसडी कार्ड में स्टोर कर लीजिए. तो ये स्टेप्स करने के बाद आपने सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट करना है और रिकवरी में रिबूट करना है बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन. तो इस तरह से आपकी डिवाइस जो है वो इंस्टॉल्ड कस्टम रिकवरी में रिबूट हो जाएगी. मैं अभी फ़िलहाल ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ और क्योंकि मेरी रिकवरी और रोम डिक्रिप्टेड नहीं है इसलिए मैं एसडी कार्ड यूज़ करूँगा. एसडी कार्ड में अपनी फाइल्स स्टोर की हुई हैं मैंने. तो सबसे पहले आपने वाइप में जाना है. वाइप में जाने के बाद आपने फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर यस टाइप करना है और सिंपली यहाँ से इसे फॉरवर्ड कर देना है. फॉरवर्ड करने के बाद आपने होम पर जाना है वापस. मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है. तो यहाँ से आपने अपनी स्टोरेज सेलेक्ट करनी है और लोकेट डाउनलोडेड रोम हेज माइन Superior OS 12 मुजीतो और इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से इसे भी फ्लैश कर लेना है. इसे फ्लैश करने के बाद आपने कोई भी कस्टम रिकवरी जिसे आप अपने Redmi Note 10 में रखना चाहते हैं उसे फ्लैश कर लेना है. मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करता हूँ तो मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को फ्लैश कर लूँगा. अगर आप TWRP रिकवरी करते हैं यूज़ तो उसकी इमेज फाइल को या zip फाइल को फ्लैश कर सकते हैं. वो इसलिए फ्लैश करेंगे ताकि जो हमारी रिकवरी है वो कस्टम रोम की रिकवरी से रिप्लेस ना हो जाए और ऑरेंज फॉक्स या TWRP रिकवरी ही हमारी परमानेंट रिकवरी रहे. इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप मैजिक्स मैनेजर भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप अपनी डिवाइस को रूट करना चाहते हैं. और उसके बाद आपने सिंपली ऑप्शन में जाना है रिबूट और रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर दें. तो अभी इसके फीचर्स के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर किसी भी किस्म का लैग और इशू नहीं है. एवरीथिंग इज़ जस्ट वर्किंग फाइन. और इसकी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर हमें सिंपल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं. और अगर आपको एडवांस फीचर्स चाहिए लाइक नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड देन यू कैन गो फॉर दी जी एप्स. यू कैन डाउनलोड दी जी एप्स फ्रॉम आवर वेबसाइट 9to5modes.com. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो उसके अलावा हर चीज़ परफेक्टली वर्क कर रही है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा जंकी एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलती. ओनली फ्यू एप्लीकेशंस आर प्री इंस्टॉल्ड. ये वेदर यूट्यूब और YT स्टूडियो भी मैंने खुद से डाउनलोड किया है. तो यहाँ से लेफ़्ट को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर हमें गूगल फीड मिल जाएगा. होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर हमें लॉन्चर देखने को मिलता है जिसमें आप आइकन सेटिंग्स कर सकते हैं और थीम्ड आइकन्स को भी इनेबल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डॉट्स को इनेबल कर सकते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड द Superior OS. तो इस इन्होंने नाम दे दिया Superior OS का लॉन्चर को. तो थीम्ड आइकन को मैंने इनेबल किया लेकिन वो अप्लाई नहीं हुए, आई डोंट नो वाई. तो उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके. होम स्क्रीन की सेटिंग्स है, ऐप ड्रायर की सेटिंग है जो कि इसने बंद कर दिया. इनमें मिस्क में यहाँ पर यूज़ टास्क बार, अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, शो ग्रिड फॉर रीसेंट ऐप, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर. आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ शोइंग टू
ये देखिए यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर नीचे ग्रिड आपको शो कर देगा, जिसमें आप रीसेंट एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से सिंपली। बट अगर आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते तो सेटिंग्स में जाके, मिस्क में जाके आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, बट ये स्टिल वर्क कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, वो टास्क बार वाला ऑप्शन मैंने इनेबल किया था तो वो टास्क बार से इनेबल हो जाएगा, तो इसको हम ऑफ ही रखेंगे। अभी सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ सिंपल सेटिंग्स और कस्टमाइजेशन भी मिलती हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कस्टम क्विक सेटिंग की बात कर लें तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिन्हें आप एडिट भी कर सकते हैं और ज़्यादा शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, एम्बियंट डिस्प्ले, और उसके बाद यहाँ पर पावर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सेटिंग का बटन अवेलेबल है। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी इज़ वर्किंग फाइन, यू कैन सी हियर, सो ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है, बट ये बैटरी आपकी क्विकली ड्रेन कर देगा। तो अभी सेटिंग में चले तो यहाँ पर हमें नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस वेरियस गुडीज़ देखने को मिलता है यहाँ, जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कस्टमाइजेशंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अबाउट प्रोजेक्ट है, कस्टमाइजेशन है, यहाँ से आप थीम को, ब्लैक थीम को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से शेड्स वगैरह को भी इनेबल कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट इनेबलिंग द डार्क थीम। उसके बाद आप फ़ॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, आइकन पैक को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो है सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल और आइकन शेप्स को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस रोम में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टेटस बार देखने को मिलता है, यहाँ से आप स्टेटस बार आइकन्स और कुछ और आइकन सेटिंग्स लाइक बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज वगैरह जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप नेटवर्क स्पीड को भी इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें क्विक सेटिंग की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, बटन्स की सेटिंग है जिसमें प्लेबैक कंट्रोल है बाय यूजिंग दी वॉल्यूम बटन्स, और उसके बाद हमें नेविगेशन बार जिसमें सिस्टम नेविगेशन बार के बटन्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप नेविगेशन बार पिल को हाइड भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें गेस्चर्स देखने को मिलते हैं जिसमें सिस्टम गेस्चर, स्वाइप थ्री फिंगर्स टू स्क्रीनशॉट और डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन है और डबल टैप ऑन स्टेटस बार भी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स अवेलेबल हैं, पावर मेन्यू जहाँ से आप इनेबल, एडवांस, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, और उसके बाद पावर मेन्यू के बाद हमें हमारे पास है नोटिफिकेशन, जिसमें नोटिफिकेशन सेटिंग और इन कॉल वाइब्रेशंस अवेलेबल हैं, और उसके बाद इन द मिस्क वी हैव रिपल इफेक्ट एंड वेक ऑन प्लग। इसमें कोई भी गेमिंग मोड अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद ऐप्स हैं, नोटिफिकेशन, बैटरी, द बैटरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस रोम इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तो यहाँ पर आप बैटरी यूजेज को देख सकते हैं, बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर और बैटरी टेम्परेचर को भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज है, साउंड है, और साउंड में हमारे पास यहाँ पर मी साउंड इन्हेंसर भी है जो कि साउंड को इन्हेंस करने में हेल्पफुल साबित होगा, और इनेबल हाई फाई साउंड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ से क्लियर स्पीकर को भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ। और आफ्टर इट वी हैव द डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस, अडेप्टिव ब्राइटनेस और एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आप डार्क में यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को। लॉक स्क्रीन सेटिंग्स है, डार्क थीम को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ से आप फ़ोन साइज़ और डिस्प्ले साइज़ को, स्मॉलेस्ट विड्थ को मैनेज कर सकते हैं, नाइट लाइट यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं और इसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कलर प्रोफाइल्स आ जाती हैं जिसमें से कलर बैलेंस भी आप सेट कर सकते हैं जो कि एडवांस फीचर है। उसके बाद हमारे पास अदर डिस्प्ले सेटिंग्स हैं, तो इसके बाद हमारे पास है वॉलपेपर एंड स्टाइल, जिसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वॉलपेपर अवेलेबल है, तो उसके अलावा आप थीम आइकन को भी इनेबल कर सकते हैं जो कि यहाँ से इनेबल करने के बाद इनेबल हो चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं, तो दे लुक प्रीटी मच गुड एंड कूल। उसके बाद हमारे पास ऐप ग्रिड का ऑप्शन है तो इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी, इन दिस सिक्योरिटी वी हैव ऑल सिक्योरिटी ऑप्शंस,
सो नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट। फेस अनलॉक भी अवेलेबल है, फिंगरप्रिंट भी वर्क कर रहा है और दूसरे जो ऑन स्क्रीन लॉक्स हैं वो भी अच्छे से वर्क करेंगे, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐप पिनिंग भी अवेलेबल है। तो उसके बाद हमारे पास है प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड एमरजेंसी, पासवर्ड्स, गूगल सिस्टम। इन द सिस्टम वी हैव लैंग्वेजेस एंड इनपुट, डेट एंड टाइम, बैकअप, मल्टीपल यूजर, रीसेट ऑप्शंस, एंड द अबाउट फोन वी गो द एंड्रॉयड वर्जन एंड स्पूरियस ओएस वर्जन विच इज 12 अनऑफिशियल बिल्ड, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच विच इज़ द 5 July 2022। सो द रोम इज प्रीटी मच स्टेबल, देयर इज नो एनी सिंगल बग ओर इशू इन दिस रोम, एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग फाइन, सो यू कैन यूज़ दिस रोम एज योर डेली ड्राइवर। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो रियली नीड योर सपोर्ट, और कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।